खबर मिर्जापुर से है। उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के 4 सभासदों को लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा सम्मान व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। इसी के उपलक्ष में मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने चारों सभासदों का मान सम्मान किया। मिर्जापुर में बीते जन जागृति दिवस के अवसर पर मिर्जापुर के 4 सभासद अलंकार जायसवाल, इंद्रजीत पटेल, दुर्गा प्रसाद यादव, संदीप तिवारी को नगर विकास मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। प्रधान कार्यालय पर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने भी उन चारों सभासद को अंगवस्त्र और माला पहना कर सम्मानित किया। बता दें कि इन चारों सभासदों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2.0 के दौरान बेहतरीन सुझाव दिया था। इनके सुझावों को शासन स्तर पर सराहा गया था। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति की पहली बैठक में इन सभी सभासदों को बुलाकर सम्मानित किया गया, जहां बरौंधा वार्ड से सभासद संदीप तिवारी ने मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बातों को मंच के माध्यम से रखा था। इस मौके पर नपा अध्यक्ष ने कहा कि आज लखनऊ में सम्मानित हुए चारों सभासद को सम्मानित किया गया है। इंदौर की तर्ज पर क्या मिर्जापुर की रैंकिंग नहीं आ सकती? हम सभी को मिलकर मिर्जापुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कार्य करना होगा। वार्ड के सभी सभासद, समिति के सदस्य, जनता सभी को एक परिवार के रूप में कार्य करना होगा। एक अच्छी कार्य योजना बनाकर समाज को साथ लेकर मिर्जापुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा। इस मौके पर सभासद कमलेश मौर्या, प्रभारी यो सुधीर वर्मा, ओएस विनोद गुप्ता, राजकुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर से संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अपना परिचय दें। मैं अलंकार जी, अलंकार जी, नगर विकास विभाग द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? और ये भी बताते चले दर्शकों को क्यों सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस कड़ी में हम लोगों को निर्देशित किया, उस कड़ी में हम लोगों ने सफलता मिली और हम मिर्जापुर के 4 वार्डों का चयन हुआ, जिसमें हमारे साथ हमारे बड़े भाई श्री बाबा यादव जी हैं, सभासद इंद्रजीत जी हैं और छोटा भाई हमारा संदीप तिवारी, वो भी मथुरा वार्ड बरौधा वार्ड का सभासद है। हम 4 लोगों का चयन किया गया था पूरे प्रदेश से, जिसमें प्रदेश से 50 लोगों का चयन किया गया था। हमारा मिर्ज़ापुर बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली है जिसमें से 4 लोगों का चयन किया गया था। अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से 1 या 2 ऐसे लोगों का चयन किया गया था। मैं 2017 से स्वच्छ भारत मिशन का सदस्य रहा हूँ और अपने वार्ड में और अन्य वार्डों में भी मैं हमेशा सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया हूँ और उसका परिणाम था कि मैं सदस्य से आज अध्यक्ष जी के रूप में रहा हूँ और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमको कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं सब सपनों को लेकर हम लखनऊ गए थे माननीय मंत्री से मिले और उन लोगों ने अपने विचारों को रखा वहाँ और उन्होंने अपने विचारों को उनको अच्छा लगा और हम लोगों को उस प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चेयरमैन साहब, आज नगर पालिका परिषद में आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है, क्यों आज का ये प्रेस वार्ता किया गया है? आज इस आयोजन के लिए आप सब जानते हैं पिछले दिन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के 10 स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जिन सभासदों ने अपना मूल्यवान सुझाव निकाय प्रशासन प्रदेश को भेजा है, उसमें हमारे यहाँ मिर्जापुर सौभाग्यशाली रहा कि 4 सभासद उसमें चुने गए थे। उनको लखनऊ में अभी जो कार्यक्रम हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता वार्ड प्रोत्साहन समिति के माध्यम से भी जो कार्यक्रम हुआ उसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, माननीय नगर विकास मंत्री आदरणीय ए.के. शर्मा जी ने हमारे नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के 4 सभासदों को सम्मानित किया है। आप सब देख सकते हैं कि हमारे ये सभासदगण, इनको ये सर्टिफिकेट भी दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत जनादेश सर्वेक्षण के दौरान मूल्यवान सुझाव प्रदान करने के लिए। इन लोगों ने मूल्यवान अपना सुझाव शासन को पसंद आया, इस नाते इनको बुलाया गया था और आगे मिर्जापुर नगर पालिका हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में भी 1 नंबर पर रहे, हमारा नगर स्वच्छ हो, इसमें हम सभी हमारे माननीय सभासदगण सब लोग मिलकर एक अच्छी कार्य योजना के साथ मिलकर समाज को साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करें।